साइलेंट आते का खड़ा होना जरूरी है। दोस्तों लंबे समय से जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई। जी हाँ, मूवी रिलीज हो चुकी है सलमान भाईजान की किसी का भाई किसी की जान। दोस्तों थिएटर्स में धमाल बवाल और हेटर्स के बुरे हाल हो गए हैं। बस बस थोड़ा सा सबर, सब बताऊंगा मूवी कैसी है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं मूवी को, मूवी पैसा वसूल है या नहीं, मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होगी या बिग फ्लॉप, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सर चकरा गया है, क्या मूवी बनाई है? सलमान खान जैसे ब्रांड का इस्तेमाल फिल्म में जबरदस्त हुआ है। पहले भी कहा था मूवी सिर्फ सलमान भाई के कंधे पर टिकी हुई है, यस हुआ भी यही। पूरी फिल्म का बोझ अकेले ढोते हुए मूवी को सुपर हिट का टैग दिलवा ही दिया समझो। दोस्तों कहानी कोई इतनी सस्पेंसिव नहीं है, सिंपल कहानी है, ज्यादा दिमाग खर्चने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मूवी दो पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड करी गई है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में सलमान का मैच्योर लुक देखने को मिलेगा, जिसमें लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी और फुल एक दुनिया जिया हुआ बंदा जो पूरा भाईजान वाला लुक देता है। फिर सेकंड पार्ट में जो ट्विस्ट आता है, एकदम यंग स्टार्ट के रूप में एंट्री मारते सलमान भाई क्लीन से, बिल्कुल लौंडा टाइप, जो वाकई में अब किसी की जान वाला लुक दे रहे हैं। दोस्तों कंटेंट में बिल्कुल लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि सलमान भाई की फिल्म एक्शन और फैमिली ड्रामा पर चलती है। यस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मूवी बिल्कुल फैमिली ड्रामा है। जी हाँ, सलमान के तीन भाई होते हैं जिनकी अपनी अपनी बंदियां होती हैं, जो शादी के लिए बिल्कुल मरे जाते हैं। लेकिन अपने भाईजान के होते हो, बड़े भाईजान के होते हो, कैसे शादी कर सकते हैं? बस फिर इस छोटे से लॉजिक पर पूरी मूवी घूमती रहती है। पूरी फिल्म में भाईजान फुल प्रोटेक्टर का काम कर रहे हैं और अपने भाइयों की शादी उनकी बंदियों से करवाते हैं। दोस्तों फिल्म को बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ सजाया गया है, जिसमें आपको पूजा हेगड़े की केमिस्ट्री सलमान के साथ जबरदस्त देखने को मिलेगी, और राघव जुआल, जस्सी गिल, सहनाज गिल, वेंकटेश, रामचरण और जगपति बाबू जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। बात करें विलेन कंट्रोवर्सी की, तो यस भाई, इस विलेन के सब फैन हो गए हैं। मतलब जो टक्कर सलमान और जगपति बाबू के बीच में दिखाया गया है जबरदस्त है, क्योंकि मूवी को एक्शन सीक्वल में बहुत पसंद करा जा रहा है। दूसरा, मूवी 2000 के आसपास की फैमिली ड्रामा कहानी की याद दिलाएगा, क्योंकि फिल्म का कंटेंट एक्शन भी है, फैमिली ड्रामा भी है, वीएफएक्स का इतना इस्तेमाल नहीं हुआ है। हां, सबसे बेस्ट पार्ट, थिएटर्स में सब सीटियां और तालियां मारने पर मजबूर हो ही गए हैं। बाकी वो ट्रेन का एक्शन सीन सब कुछ दमदार है। हीरो एंड विलेन कंट्रोवर्सी बॉलीवुड का फेवरेट पार्ट है, और लेट 2000 के कंटेंट की बू भी आएगी। दूसरा, बीजीएम का भी क्या सटीक इस्तेमाल किया है, लाइक कई जगह मूवी इमोशनल है, एक्शनल है, क्रिएटिव साउंड के लिए बहुत अच्छा पार्ट इस्तेमाल किया है। तो फिर नो डाउट मूवी बहुत शानदार है, एक बार फिर कह रहा हूँ, मूवी जबरदस्त है। लोगों की तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। सलमान भाई ने फिर दिल लूट लिया है सभी लोगों का। अब बात करें कुछ खामियों की, तो यस, लव एंगल के पार्ट में वीक देखने को मिली है। मूवी हल्की लेंथी है, जो बोरियत डाल देगी कुछ पार्ट पर। दूसरा, डायलॉग बाजी का पार्ट उतना शानदार नहीं है, क्योंकि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक्शन ज्यादा पसंद करा जाता है बजाय मुंह चलाने के। बाकी अगर मैं बताना चाहूं तो मूवी एक नंबर है, मूवी फुल ड्रामा कॉन्टेंट है, बेझिझक पूरी फैमिली के साथ मूवी देखने जाओ और मूवी का मजा लूटो। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। पहले तो जिसने भी फिल्म देख ली हो, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। दूसरा, ये आप लोग बताएंगे कि मूवी ब्लॉकबस्टर हिट जाएगी या फ्लॉप जाएगी, फटाफट कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर देकर जाना। बाकी मूवीज और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।